मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, बोर्ड पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि है। आज पूरा देश उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद कर रहा है, उनकी स्मृतियां देश के हर कोने से जुड़ी रही हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई उनकी मजबूत शख्सियत का मुरीद रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के उन प्रधानमंत्रियों में शामिल रहे जिन्होंने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी, फिर चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन हो या फिर राजनीति, उनके हर फैसले में उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प नजर आता है। अपने दमदार आवाज और भाषण के दम पर वाजपेयी जी लगभग 5 दशक तक राजनीति के शिखर पर कायम रहे। चलिए इस वीडियो में वाजपेयी जी के शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं। राजनीति में वो जितना बड़ा रसूख रखते थे उससे कहीं ज्यादा निजी जिंदगी में लोग उन्हें पसंद करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उरई के फेमस गुलाब जामुन बेहद पसंद थे। अपने छात्र जीवन के दौरान जब वो ट्रेन से ग्वालियर जाते थे तो उरई के रसगुल्ले जरूर खाते थे। रसगुल्ला का क्रेज इस कदर बढ़ा कि वहां होने वाली अटल जी की चुनावी जनसभा की शुरुआत भी रसगुल्ले के जिक्र के साथ होती थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी जी अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। उनसे बड़े 3 भाई और 3 बहनें थीं। वाजपेयी जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे, उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। अटल जी जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उन्होंने पहली बार भाषण दिया था। विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने कई वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उसके बाद अपने कॉलेज जीवन में उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। पहले वो छात्र संगठन से जुड़े, फिर बाद में आगे चलकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभारी के रूप में भी काम किया। बस इसके बाद वो राजनीति में काफ़ी सक्रिय हो गए और बहुत जल्द ही उन्होंने जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री के पद का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कई विदेशी दौरे किए और भारत का पक्ष मजबूती से रखा। 4 अक्टूबर 1977 को उनका संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में दिया भाषण आज भी याद किया जाता है। यकीनन अटल जी की शख्सियत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।